आज हमारा टॉपिक है बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में हमने बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में पढ़ा। सो बार्बिट्यूरेट्स जो हैं वो अंटिल 1960s तक बहुत ज़्यादा यूज़ में आते थे एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, लेकिन ड्यू टू सम ऑफ इट्स मेजर डिसएडवांटेजेस अब ये ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है और अब इनकी जगहों पर बेंजोडाइजेपिन्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, सो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड एंड वर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिप्नोटिक्स इन द क्लिनिकल यूज अंटिल 1960s। ओके, सो अब इसका यूज़ बहुत कम है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटॉन और मिफोबार्बिटॉन बहुत यूज में आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में पेंटोबार्बिटॉन और ब्यूटोबार्बिटॉन आते हैं और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स में थायोपेंटॉन, हेक्सोबार्बिटॉन और मिथोहेक्सिटॉन, ये ड्रग्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। बेंजोडाइजेपिन्स की तरह बार्बिट्यूरेट्स भी सेडेशन या हिप्नोसिस कॉज करने के लिए गाबा जो होते हैं, गामा अमाइनो जो एसिड थे उसमें जाके, गाबा में जाकर, ब्यूट्रिक एसिड में जाकर ये उनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं बार्बिट्यूरेट्स के लिए जहाँ पे जाके ये बाइंड करते हैं। और गाबा क्या करते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमिटरी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको इनहिबिट करने में मदद करते हैं नेचुरली। ओके, जब हम बार्बिट्यूरेट देते हैं किसी भी पेशेंट को तो इन गाबा रिसेप्टर्स पे जाके ये बाइंड करके गाबा की जो एक्टिविटी है वो और बढ़ा देते हैं। इसका मतलब कि न्यूरो ट्रांसमीटर के इफेक्ट को और इनहिबिट करने में मदद करते हैं। ओके, सो बार्बिट्यूरेट्स बाइंड टू अ स्पेसिफिक साइट ऑन द गाबा रिसेप्टर एंड फैसिलिटेट इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमिशन बाई ओपनिंग द क्लोराइड आयन चैनल। और क्लोराइड आयन के चैनल ओपन करने की वजह से हाइपरपोलराइज हो जाता है वो पूरा न्यूरोनल मेम्ब्रेन और उसकी वजह से वहाँ पे इनहिबिशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहला इफेक्ट तो CNS के ऊपर ही है क्योंकि मेजर डिप्रेशंस जो हैं वो CNS में कॉज करते हैं। उस वजह से सेडेशंस, हिप्नोसिस, अमनेशिया, अनस्थेशिया, एंटी कन्वल्सेंस इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि जब हम हिप्नोटिक डोसेस में देते हैं तो ये माइनर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करते हैं, लेकिन हायर डोसेस में ये सीवियर डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब हम हिप्नोटिक डोसेस में मेडिसिन देते हैं तो स्लाइट हार्ट रेट और BP का हम फॉल देखते हैं, जबकि अगर इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिया जाए तो हाई डोसेस में ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा BP और हार्ट रेट में डायरेक्टली फॉल, बहुत इंक्रीज्ड इफ़ेक्ट दिखाते हैं और BP और जो हार्ट रेट है वो फॉल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ये ड्रग बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी में एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी के साथ साथ हम अगर देखें मेटाबोलाइजेशन के बारे में तो ये लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं और साथ ही साथ ये यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स रिएक्शंस के बारे में। तो एडवर्स रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ये ड्रग नौजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, डायरिया और साथ ही साथ कुछ मेमोरी में या कुछ कन्फ्यूजन्स कॉज, सॉरी, डिस्टॉर्शन ऑफ मूड, इम्पेयर्ड जजमेंट, फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी में अगर हम देखें तो हाई डोसेस में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखे जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि अगर हम ऑलरेडी किसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को अगर हम ये ड्रग दे रहे हैं तो उसको बहुत कम स्लाइट डोसेस में, हिप्नोटिक डोसेस में भी सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं जैसे रैशेस होना, प्रूराइटिस होना। सो ये सारी चीज़ें हम इस ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट्स में देखते हैं। लास्ट हम बात कर रहे हैं कि इस ड्रग को किस तरीके से यूज़ किया जा, किन किन केसेस में यूज़ किया जा सकता है। एज एन एनेस्थेटिक ड्रग इसको यूज़ किया जा सकता है, ज़्यादातर IV थायोपेंटोन सोडियम यूज़ किया जाता है। एंटी एपिलेप्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है जिसमें हम फिनोबार्बिटॉन को यूज़ करते हैं। नियोनेटल जॉन्डिसिस में बेबी को क्योर करने के लिए हम फिनोबार्बिटॉन का यूज़ करते हैं। सेडेशन और हिप्नोसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अब सेडेशन और हिप्नोसिस के लिए ज़्यादातर यूज़ में नहीं आता है बार्बिट्यूरेट्स, इसकी जगह पे बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ किए जाते हैं।
प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर भी बारबिट्रेट्स को यूज़ किया जा सकता है. ओके, सो ये था बारबिट्रेट्स के बारे में. सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग्स थे ये. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.